धर्म स्नेही बंधुओं, वर्तमान समय एक बहुत बड़े मोड़ से गुजर रहा है और एक देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि 15 दिन तक अपने ही घर में एक बच्चे हैं जो आज छठवां दिन है, अपने ही घर में कैद होना पड़ेगा। लोग महसूस कर रहे हैं कि घर में कैदी के समान रह रहे हैं, लेकिन इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। मिला है, एक इलाज मिला है, कहो तो बता दो, बोलिए ना, बता दो। मैं क्या, मोदी जी ने आपको बता दिया, 21 दिन घर से निकलना भूल जाए, घर में रहें और बस घर में ही रहें, बस यही इलाज है इसका। जिसने ये ट्रीटमेंट ले लिया वो इस बीमारी से बच जाएगा, और जो इस ट्रीटमेंट को लेने में लापरवाही करेगा वो स्वयं भी भुगतेगा और हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि घर में ही रहें, घर से निकलने का विचार भी ना करें। आपकी मजबूरी समझती हूं, जो मन जो शरीर बचपन से बाहर भागता था, बाहर घूमता था, 9 महीने गर्भ के अलावा जो कभी शांति से बैठा नहीं है, अब उसे घर के अंदर बंद किया जाए बड़ा मुश्किल होता है। ये संस्कार आज के नहीं है, घूमने के संस्कार अनंत काल के हैं, लेकिन मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है कि वो घर में शांति से रह सकता है। एक घर में रहना, मजबूरी में रहना, खाके और सोके दिन काटना एक बात, घर में रहकर कुछ उपलब्धि प्राप्त करना दूसरी बात। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने जीवन का और जीव का ज्ञान नहीं है, वो मजबूरी में काट रहा है, लेकिन जो जीवन को जानना चाहता है वो जीव को जाने, और जीव को जानने से जीवन को जानेगा, और जो जीवन को जान लेता है वो जीवन को अच्छा बना लेता है, और जो जीवन को नहीं जान पाता है वो जीव को बिगाड़ लेता है और जीवन को बिगाड़ लेता है। आपके घर में पुराना धन रखा होगा, पिताजी का कमाया हुआ सोना चांदी रखा होगा, मकान होगा, गाड़ी होगी, मोटर फैक्ट्री होगी, लेकिन आपके पिताजी का एक और धन आपके घर में रखा है, वो है किताबें, शास्त्र, जिनवाणी आपके घर में रखी है। वैसे तो आपको टाइम नहीं मिलता था कि घर में शांति से बैठकर जिनवाणी का पाठ करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, कुछ पढ़ें, टाइम नहीं मिलता था। अभी आपके बचे हुए जो ये 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में अंतर्मुखी हो जाएं। एक होता है बहिरात्मा, एक होता है अंतरात्मा, और एक होता है परमात्मा। 3 तरह की आत्मा होती है। तो बहिरात्मा तो आप बन नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते हैं। अब घर में रहकर मन को बाहर ना भेजें, घर में रहकर मन को भी घर में रखें। और अंतर्मुखी बनने के लिए आत्मा में जाना जरूरी है। अब आत्मा में जाने का पता ही नहीं कि कैसे जाए, रास्ता ही नहीं मालूम है कैसे जाए अंदर, तो स्वाध्याय के माध्यम से। टीवी आपके घर में है, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, महावीरा चैनल आ रहा है, आप उसके माध्यम से प्रवचन सुने। आपके मोबाइल में आध्यात्मिक जैन आध्यात्मिक भजन है, आप उनको सुने।
आप गाना जानते हैं, आप भजन गाएं। आप लिखना जानते हैं, आप नए भजन लिखें। आप पेंटिंग करना जानते हैं, मंदिरों के चित्र बनाएं, भगवान के चित्र बनाएं। आप पढ़ना जानते हैं तो आप स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें। अब आप देखते हैं कि साधु के पास कोई काम नहीं होता। आप तो दिन भर काम करते हो, साधु के पास कोई काम नहीं होता, फिर वो मन कैसे लगाता है? अपने मन को साधु शांत कैसे रखता है? ये 15 दिन आप वो करके देखें जो साधु करते हैं। इस समय 10 लाखवीं पर्व चल रहे हैं। आज शायद तीसरा या तीसरा दिन है, पंचमी, छठ और आज सप्तमी है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव का दिन है आज का। तो 10 लाखवीं पर्व में आप शिविर में जाते हैं। 10 लाखवीं पर्व आती है, आप सुबह से शाम तक पूरा धर्म ध्यान करते हैं और बाहर की क्रियाएं छोड़ देते हैं। ये चैत के महीने की 10 लाखवीं है। आप इस 10 लाखवीं को ऐसे मनाएं जैसे भादो के महीने की मनाते हैं। उतनी ही पूजा करें, घर में बैठ करके सबको बिठा लें और एक साथ बैठ करके पूजा करें हैं। और भोजन में भी संयम रखें। ये नहीं कि बाहर का काम छोड़ के तो सीधे बस ये बना दे, वो बना दे, वो खिला दे, वो खिला दे। ये दिन खाने के लिए नहीं मिले हैं, ये दिन धर्म कमाने के लिए मिले हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बीमारी से निपटने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इलाज यही है। मंदिर में बैठ के आपने कभी भगवान को ध्यान से देखा कि भगवान मंदिर में क्या कर रहे हैं? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आंखों को नीचे किए हैं और ध्यान में लीन है। ये 15 दिन बीमारी का इलाज यही है कि जो भगवान ने किया है वो तुम करो, यानी शांति से बैठो। किससे बैठो? शांति से बैठो। शांति से बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, पूजा, माला, जाप, यही तो करना पड़ेगा। और जब आप शांति से बैठोगे तो मुझे एक बात बताओ, आपको शांति मिलेगी कि नहीं? मिलेगी ना। अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, शांति मिल रही है? मिल रही है। अगर आप शांत हैं तो आपको शांति मिल रही है। आपकी शांति से घर वालों को शांति मिल रही कि नहीं? आपको शांत देखकर आपके घर वाले प्रसन्न हैं कि नहीं? देखो कितना अच्छा, कितनी शांति से बैठा है, मन में प्रसन्नता है। घर वालों को प्रसन्न शांति है, अच्छा। आपकी शांति से पड़ोसियों को शांति है कि नहीं? भाई जो दिन भर घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो पड़ोसी भी दुखी रहते हैं, कैसा पड़ोस मिला है, सारे दिन लड़ाई की आवाजें आती हैं। और यदि आप शांत रहते हैं तो पड़ोसी भी कहते हैं अरे हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, घर से आवाज भी नहीं आती है। तो पड़ोसियों को शांति मिली, मोहल्ले वालों को शांति मिली। आपके शांत रहने से गाँव को शांति मिली।